एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के, नहीं दोपहर के 1 बजे के आसपास। ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के 1 बजे तो हो रही है क्योंकि आजकल टाइम नहीं लग पा रहा, थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने के लिए टाइम नहीं लग पा रहा। और ऊपर से आजकल थोड़ा इलेक्शन टाइम है, तो आजकल आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे कुछ किस तरह के ब्लॉग आ रहे हैं। तो भाई आजकल जैसे ब्लॉग आ रहे हैं, आप लोग वैसे देखो और एंजॉय करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और आप लोग भाई इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से मैं थैंक यू करता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने छोटे भाई को। 2000 पहुँचने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, और मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। 1000 सब्सक्राइबर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और 1000 से 2000 का जो सफ़र था वो जल्दी बीत गया, मतलब काफ़ी जल्दी हुआ। जल्दी तो क्या ही, पर काफ़ी जल्दी हो गया। अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, आप लोग इन्जॉय करो ये ब्लॉग। A few moments later. प्रचार प्रसार पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। और भाई लोग, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि भाई विपिन भाई को वोट करना, विपिन भाई को वोट करो, विपिन भाई को वोट करो भाई। एक बार एक बार एक बार मौका दे के देखो भाई, विपिन भाई को। विपिन भाई अब की बार, विपिन भाई अब की बार, विपिन भाई अब की बार, विपिन भाई जैसा हो, विपिन भाई जैसा हो। सो गाइस, आप लोग देख लो कि युवाओं का जोश, वो कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कोई नहीं है टक्कर में। सो मतलब यूथ इस टाइम पूरा विपिन भाई के साथ चला है, यूथ या ऐसा बोल सकते हैं पूरी धर्मशाला विपिन भाई के साथ चली हुई है। I'm gonna
दो तीन चार पाँच छः लाइन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता कितनी है गाड़ियों की। और ये सब लोग भाई ऐसे हैं जो अपने पूरे मन के साथ, मन तन मन धन के साथ, पूरे भाई के साथ जुड़े हैं। कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ लोग ये पीछे हैं। और मतलब इस बार ठीक है कि धर्मशाला की जनता भाई के साथ है। और आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई को सपोर्ट करो यार इस बार ना। अभी थोड़े दिन मेरे चैनल पे इसी तरह का कंटेंट आएगा, क्योंकि आजकल हम लोग प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं जोरों शोरों से। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग आज हमें अपने 10 दिन दोगे तो हम आप लोगों को अपने 5 साल, पूरे 5 साल देंगे और धर्मशाला, पूरी धर्मशाला का नक्शा बदल के दिखाएंगे। मतलब पर्सनली मैं अगर कहूँ ना तो विपिन भाई एक ऐसे इंसान है जो कि अपना खुद का पैसा लगा के लोगों का भला किया जिन्होंने। तो आप एक बार खुद सोचो कि अगर इनके पास पावर आ जाएगी, सरकार मतलब इनके पक्ष में हो जाएगी, एक तरह ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये जब सरकार के साथ जुड़ जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि कितना विकास करेंगे पूरी धर्मशाला में। सो गाइस, अभी हमें घूमते घूमते शाम हो चली है और एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे पहुँचे हैं हम। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं ये धर्मशाला, तो शायद मैंने भी नहीं देखी थी यार, आज पहली बार देख रहा हूँ ये वाली धर्मशाला। आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, हर जगह एक अलग ही नज़ारा और अलग ही व्यू है। कुछ इस तरह की लोकेशन पे हम आए हैं और यहाँ नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे मेरा दोस्त अक्की भाई जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुड़ा हुआ है ये भी आजकल। और यहाँ पे नज़ारा भाई आप लोग देख सकते हैं, गजब धौलाधार रेंज सामने दिख रही है आपको। सनसेट का नज़ारा बहुत ही प्यारा, इस तरफ सनसेट हो रहा है और ऊपर वाली साइड धौलाधार रेंज जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वाह। और वहाँ पे हो रही है मीटिंग। और एक बात की खुशी हो रही है कि यहाँ गांव वाले जितने भी हैं आस पड़ोस के सभी लोग आए हैं, चेहरे जो लगाई थी गांव वालों ने वो उनके लिए कम पड़ गए हैं बैठने को। और बाकी हमारे लोग एक दो जो ये साइड में खड़े हैं, बाकी बीच में गांव वाले भी खड़े हैं थोड़े। बाकी आप ये नज़ारा चेक करो, Later that same evening. अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी घर तो नहीं बोल सकता, मैं ऑफिस में आया हूँ क्योंकि आज दिन भर घूम घूम के भाई थक गए हैं, बैंड बज गई आज दिन भर घूम घूम के खतरनाक ही। अभी कुछ दिनों तक मेरे चैनल पे कुछ इस तरह की ब्लॉग आएंगे क्योंकि मेरी दिनचर्या कुछ इस तरह की रह रही है, मेरे दिन का शेड्यूल जो है कुछ इस तरह का रह रहा है। तो जितना टाइम मुझे मिल पा रहा है रिकॉर्ड करने का मैं कर ले रहा हूँ। बाकी आप लोग ब्लॉग में इतना प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और भाई मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इस बार ना अपना वोट जो है वो विपिन एरिया को ही दे। CCTV जिसका निशान है, 5वां नंबर है, सीरियल वाइज देखा जाए अगर तो 5वां नंबर है भाई का। बाकी हर लोग जो है, हर बंदा कुछ ना कुछ सोच के भाई वोट करता है, ठीक है। पर भाई मैं आप लोगों को मतलब एक बता दूं पर्सनली बात, मैं पर्सनली मतलब विपिन भाई को जानता हूं, तो मतलब वो बंदा एक ऐसा बंदा है भाई जो अपना खुद का पैसा लगा के जिसने लोगों का भला किया है। तो अगर वो बंदा सत्ता में आ जाता है तो भाई फिर समझ सकते हो आप कि वो बंदा लोगों का कितना भला करेगा और कितना काम करवाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस बार अगर भाई जीत जाते हैं ना तो आज से 5 सालों के बाद जब इलेक्शन होंगे ना भाई, विपिन भाई को वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि विपिन भाई को वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वो इतना काम करेंगे ना भाई लोगों का कि लोग खुद बोलेंगे कि भाई हमें यही एमएलए चाहिए।
बाकी हम लोग तो खैर बोल ही सकते हैं, हम लोग पर्सनली जानते हैं भाई को। तो अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई तेरा भाई या ये वो तू तब जाके ऐसा बोल रहा है, पर बाकी हम लोग सिर्फ जस्ट बोल सकते हैं, बाकी सोचना आप लोगों ने है। बाकी एक दो दिन रह गया अभी इलेक्शन को, तो थोड़े दिनों तक भाई कुछ इस तरह का ही व्लॉग आएंगे मेरे चैनल पे। बाकी आप लोग प्यार दिखा रहे हो इतना, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का और अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखो भाई, ठीक है भाई, बाय बाय। जना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी।